सो फाइनली 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 हमारा जो है ना मुहूर्त निकल गया मरीना बीच जाने के लिए। तभी हम लोग सब जा रहे हैं मरीना बीच, क्योंकि हमारा चेन्नई का सफर होने वाला है जल्दी खत्म। तो हम मरीना बीच घूमने के बाद में रिटर्न जाने वाले हैं। तो आज मैं आई हूँ मरीना बीच मेरी फैमिली के साथ में, और ये ना इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट बीच है, सॉरी लॉन्गेस्ट बीच है, एंड वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है। एंड ये बीच बहुत लंबा है एंड बहुत वाइड स्प्रेड है, आप देख लेना इस वीडियो में। एंड ये विवेकानंद का आई गेस कुछ था यहाँ पे, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, मतलब उनका कुछ मेमोरियल चीज़ यहाँ पे रखा हुआ था। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मरीना बीच बहुत ही मुद्दतों से। यहाँ पे आ गए हम लोग अभी मरीना बीच, जो कि पास है यहाँ से। बीच से थोड़ी दूर में ये रोड है, एंड आपको ना कुछ किलोमीटर्स के लिए, आई गेस 1 किलोमीटर होगा, वैसे चलना पड़ता है बीच के लिए। थोड़ा दूर है, और अगर आपको चलने का आदत नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो आप चलने का आदत बना करके ही यहाँ आओ, मैं तो यही बोलूँगी। एंड आप देख सकते हो बीच कितना दूर है, एंड हम लोग चलते चलते थक गए थे। और फिर ना हम लोग एक साइड से दूसरी साइड भी गए थे, जो लाइट हाउस वाला एरिया था वो भी दूर था यहाँ से। और क्योंकि हम लोग पानी में चले थे तो ना पता नहीं चला था, जब हम लोग रेत में चलना शुरू किया ना तब तो भाई हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। इस तरीके से ऑटो लगा रहता है और इस तरीके से रोड है, आप यहाँ से आगे भी जा सकते हो, बट हम लोग क्योंकि बीच साइड थे ना तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे मरीना बीच का, तो आपको ऐसे ऑटो छोड़ देगी या जिससे भी आओ, आप बस से भी आ सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। एंड इस टाइप का ना ब्रैकेटिंग किया हुआ है, आपको एक बनाया हुआ है यू नो हम लोग जा सकते रोड हैं टाइप का, ना, ताकि आप बीच तक ऐसा तो जाओ, नहीं है वरना आप ना ना, इस रेत में चल नहीं पाओगे। लिटरली हम चल नहीं पा रहे थे यार, काफी यहाँ बड़ा हम तो दीघा के सिस्टम में गए थे। काफी गर्म है, दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा है, बहुत दूर में पानी है, अभी वहां तक जाएंगे, और यहाँ तो सिर्फ रेत है। अभी से डर गए ना लोग, एक बार सोच रहे जाने के लिए उधर, क्योंकि बहुत दूर है बीच यहाँ से, वहां से देख रहे हो, वहां से भी चलते इधर जाना है, लग रहा है 1 किलोमीटर तो यही चल लेंगे हम लोग। फाइनली मैं आ गई मरीना बीच। 2020 में भी ना मुझे आना था मरीना बीच, पर क्योंकि मम्मी का ना उस वक्त तबीयत खराब हो गया था तो हम लोग को जल्दी टिकट करके जाना पड़ गया था। बट इस बार मैंने सोच लिया था कि अगर मैं रुकूंगी टाइम कुछ टाइम के लिए चेन्नई में, तो मैं तो मरीना बीच बिना घूमे नहीं जाने वाली हूँ रिटर्न, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना था कि ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। और मुझे क्योंकि ब्लॉग बनाना था तो मुझे तो यहाँ आना ही था गाइज। एंड यहाँ का पानी जो था ना बहुत ही मस्त, उतना ठंडा नहीं था बट थोड़ा सा वार्म टाइप का पानी था, एंड बड़ा मज़ा आया। एंड यहाँ कोई स्टिंगी स्मेल नहीं था, जो मैं दीघा गई थी जो स्मेल आ रहा था उस टाइप का कोई स्टिंगी स्मेल नहीं था। एंड बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे, एकदम फ्रेश रिफ्रेशिंग, एंड वेव्स का जो आवाज़ है ना गूंज रहा था कान में, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आप कभी चेन्नई विजिट करो तो यहाँ ज़रूर आना। एक एलियॉट बीच है, और भी 2-3 बीचेस हैं, आप वहाँ भी आ सकते हो। वीजीबी मरीना बीच भी है, वहाँ भी जा सकते हो, बट इसको ज़रूर विजिट करना क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है एंड वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच।
था वाला बोट है। मम्मी को बोल रहे हैं बना रहे हैं कि प्लीज ले लो, इधर देखो थोड़ा, इधर देखो। बहुत बड़ा बड़ा लहर आ रहा है यहाँ पे, तो दीघा में शांत रहता है, रहेगा शांत ऐसे रहता है। इट इज अ हाई टाइड। चलो हमारी जूता धोने का कोशिश कर रही है, जूता भिंगा चुकी है। और मैं तो वाटर प्रूफ पहन के आई थी। ओए मो चलो चलो चलो, बहुत गंदा पानी है, स्मेल नहीं है, पर इसमें जो पिछले बार दिखा गया था स्मेल था इस पानी में। ओ भाई साहब, इतना इतना ऊंचा वेव है यहाँ पे, भागो भागो। इट वॉज रियली लाइक मैन, और पैर छिलने लगा। अब हम लोग भीड़ की तरफ जा रहे हैं थोड़ा। हाँ मजा आ रहा है, लेकिन बड़ा मजा। यहाँ पे थोड़ा बादल बादल है अभी, जैसे नमक का पानी वाला हो गया और इससे धुंधला नजर आ रहा है हमको। इस तरीके से ना नारियल की क्या क्या गोते डाब वाब बहते आता है इसमें, इतना मजा। मेरा चश्मा ना पूरा धुंध धुंध जा रहा है, पता नहीं पानी से स्टीमिंग से यहाँ पे बहुत ज्यादा भाप बन रहा है। वो तो शुक्र है कि हम दोपहर में नहीं आया, वरना प्लान बनाए थे कि दोपहर में आके घूम के जाएंगे। लेता है अपने आप। हाँ ये अपने आप को लॉक कर लेता है। दीजिए ना, है क्या ये? थैंक यू, दिखाओ एक बार। ये सितुआ है, बंद कर लिया अपने। छोड़ो बेचारे को, छोड़ दो तुम लोग। अरे पकड़ रहे, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ दो, छोड़ दो उसको। हम लोग ना बीच के साइड साइड चल के आगे जा रहे थे, भाई साहब मत बोलो बीच में तो इतना वेव ऊंचा था ना, मेरे को डर लग रहा था कि एक बार वेव आएगा हम लोग को लेके नहीं चला जाएगा। आप देख सकते हो वेव काफी ऊंचा था, और ये ना बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था और बहुत जोर का धक्का मारा था। ये दो तीन बार तो मेरे को लगा, फिर लगा कि भाई अब ज्यादा मेरे को पानी में घुस के नहीं चलना, मैं साइड साइड ही चलूंगी। और यहाँ पे कोस्ट गार्ड भी रहते हैं जो कि घोड़ा में आपको गार्डिंग करते रहते हैं, आपको ज्यादा डीप जाने नहीं देंगे। और जब वेव्स कुछ ज्यादा हो जाती है ना तो फिर वो आपको रोकते भी हैं ताकि आप अंदर जाओ नहीं, क्योंकि एक बार आपको वेव लेके गया तो फिर आप समुद्र में जलते ही जाओगे अंदर, फिर बाहर आने वाला सीन नहीं है,
फिर बुलाना पड़ेगा कोस्ट गार्ड वाले लोगों को कि जाओ भाई उन्हें निकाल के लाओ। तो मुझे तो डर लगने लगा था बीच में, क्योंकि मैंने कभी इतने था ना बड़ा बड़ा वेव नहीं देखा था। पर मैं ब्रह्मपुर गई थी, तो ब्रह्मपुर में भी ऐसे ही ओशियन है, इसी का ही है, बे ऑफ बंगाल का ही है। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा वेव था, तो मैं तो गई नहीं थी वहाँ, घुसी नहीं थी। इवन यहाँ भी मैं ज़्यादा घुसी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पानी से काफ़ी डर लगता है यार। मम्मी हटो, बहुत ज्यादा यहाँ पे है। मम्मी वापस आओ। काफी ज्यादा टाइड है यहाँ पे, इधर काफी ज्यादा हाई टाइड है। ये वीडियो में देखने में आप लोगों को लग रहा है नॉर्मल ना, बट आप जब वहाँ रहते ना रियल में और आप सामने से इस वेव को देखते, तो आपको ना इसका जो स्पीड है और इसका जो इंटेंसिटी पता चलता है। मतलब जिस तरीके से ये दिख रहा था विशाल वेव और जिस तरीके से ये धक्का मार रहा था ना, वो चीज़ भाई वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो आप लोग फील करते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वीडियो में पता नहीं चल रहा है ना कि पानी का वेव कितना स्पीड है, कितना ज़ोर से ये मतलब पुल कर रहा था, पुश कर रहा था, और हम लोग ना खड़ा नहीं हो पा रहे थे। जैसे पानी आता है ना और जब वापस जाता है, तो आपके पैर के नीचे से जमीन जो ये है मिट्टी है वो भी मटना शुरू हो जाता है। हट जा हट जा हट जा हट जा, तो घोड़ा उठा लात मार दिया ना, तो पानी लगे रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टाइड है। हाँ उधर हम लोग थे, उधर कम था टाइड। इसका जो रेत था ना वो इतना बारीक था कि मेरा ना चप्पल के बीच में पूरा रेत फंसा, जिसकी वजह से मेरा पूरा पैर कट गया था गाइज। और मैं वैसे ही चल रही थी, और कितना भी मैं धोऊँ ना, क्योंकि जब पानी आता था तो अपने साथ रेत लेके आता है, साथ में आपके पैर में भी रेत छोड़ के जाता है। तो ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ में, मैं लिटरली चल नहीं पा रही थी इस वक्त, क्योंकि मेरा पैर जो है ना छोटा छोटा जो कन था रेत का उससे कट चुका था पैर मेरा। तो वो बहुत अच्छा था, एंड यू नो सॉल्टी वाटर। अब देख लो कोस्ट गार्ड यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से आपको गार्डिंग करते रहते हैं, क्योंकि वेव्स इस वक्त शाम के टाइम में ना जो वेव्स था उसका टाइड काफ़ी ऊँचा ऊँचा आ रहा था, इसलिए वो लोग एज अ सिक्योरिटी लेते हैं, एंड सेफ्टी के लिए वो लोग आपको हमेशा साइड हटने बोलते बीच हैं। बीच में इतना कचरा है जो कि बहुत गंदा है। सारे लाइन से बोर्ड्स हैं यहाँ पे सब तरफ ना, इस टाइप के फिशिंग वाले नाव पड़े हुए हैं, और फिश नेट्स हमको लगता है ना यहीं से लोकल्स फिशिंग के लिए जाते हैं। और बहुत सारा नाव लगा हुआ है, बहुत सारा, और बिल्डिंग्स कुछ छक्को लाइन से ऐसे देखने के लिए मिले गए यहाँ पे, तो काफी सुंदर है यहाँ पे। एक प्लेन भी दिख गया। तो यहाँ पे हमारा ओशन देखना ख़त्म हो गया है, एंड ये जो ओशन था ये बे ऑफ बंगाल था, जो कि साउथ एंड कलकत्ता इधर पूरा टच करा हुआ है। अभी हम आ चुके हैं फिश मार्केट। तो जैसे हम लोग निकले ना ओशन के पास से, फिर हमें मिला ये फिश मार्केट, जिसमें बहुत बहुत सारे फिशेस थे, क्रैब्स थे, एंड आपको देख सकते हैं यहाँ पे टूना रखा हुआ है। ये साइड वाला जो है ना ये टूना है, और भी अलग अलग टाइप के फिशेस हैं। ये वाला ये टूना था, ये रेड वाला फिश का मुझे नाम नहीं पता। और फिश स्ट्रिंग रे भी था यहाँ पे, आपको अलग अलग टाइप का मिल जाएगा यहाँ पे फिशेस। एंड ये है हमारा लाइट हाउस।
पापा जो है ना ओशन के अंदर आए नहीं थे, वो मतलब ओशन के साइड कोस्ट में नहीं आए थे, वो ना रोड रोड से ही रोड के साइड घूम रहे थे। तो अभी हम लोग उनके पास जा रहे हैं क्योंकि वो बोले थे कि लाइट हाउस के नीचे ही हम लोग मिलेंगे। तो मम्मी और हम लोग अभी पैदल पैदल उनके पास गए और इस वक्त ना पानी हमारा ख़त्म हो गया था, तो हम पानी भी खोज रहे थे और फिर हम लोग को घर भी रिटर्न जाना था, यानी कि हम लोग का जो लॉज था वहाँ भी रिटर्न जाना था। तो अभी फाइनली घूम के थक चुके हैं गाइज हम लोग, और अब हिम्मत नहीं था कि आसपास का कुछ भी देखें हम लोग। देखिए यहाँ से है एंट्रेंस का, इसका टाइमिंग है 1:10 AM टू 3 PM टू 5:30 PM, 5:30 तक रहता है। इसका चार्जेस भी है यहाँ पे फॉरेनर्स को 50, फोटोग्राफर को 25 और बिलो 12 10 और ऐसे 20, पर बंद हो गया अभी तो, ये जा भी नहीं सकते इसमें। सो ये था चेन्नई का लाइट हाउस, यानी कि आप बोल सकते हो चेन्नई दीप स्तंभ जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ से पूरा कोस्ट गार्ड को लाइट देता है या शिप वगैरह को लाइट देता है ये, और सिग्नल पास आउट करता है कि सब ऑल रूट्स क्लियर वगैरह सब। और यहाँ से चेन्नई का पूरा व्यू काफ़ी सुंदर है। एंड फिलहाल ये बंद हो चुका था, 6 बजे तक ही इसका टाइम होता है, नहीं सॉरी 5:30 तक इसका टाइम होता है। एंड ये बगल में ना ये कोस्ट हाउस था, कोस्टल हाउस था, पता नहीं क्या हाउस था, बहुत सुंदर था। इसका इंटीरियर इतना खूबसूरत था ना, मुझे पहले लगा कि पुलिस स्टेशन है, बाद में मुझे पता चला कि ये कोस्ट गार्ड एरिया था ये। यहाँ पे आप जैसे कि कोई नेता वगैरह आते हैं तो उनके स्टे के लिए भी था। ये गेट था जहाँ से पुलिस वगैरह लोग का एंट्री, एक पीछे का गेट था वहाँ से कोई अगर सेलिब्रिटी या कोई ऐसे होता ना दिग्गज लोग आ रहे हैं और चेन्नई में एज अ विजिट करना चाहते हैं कोस्ट के अराउंड, तो ये एक उनके लिए रिजॉर्ट टाइप का स्टे वाला सा था जिसका गेट दूसरे टाइप तरफ से था। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रिटर्न हमारे रिजॉर्ट की तरफ क्योंकि हम अब थक चुके हैं एंड मेरा सपना ये पूरा हो गया मरीना बीच का।